हेलो गाइस, अगर अपने यूट्यूब वीडियो में ज़्यादा व्यूज चाहते हो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ। इस सिंपल मेथड यूज करने के बाद आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इस मेथड का नाम है यूट्यूब आई बटन, यानी कि यूट्यूब आई बटन ऐसा एक इफेक्टिव टूल है जैसे कि अपना व्यूअर्स को दूसरे वीडियो में आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, आसानी से स्विच कर सकते हो। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको दोनों वीडियो में व्यूज मिल जाएगा, वो भी आसानी से। वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे यूट्यूब आई बटन को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके से ऐड करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में एंड तक देखते रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन इसी टाइप का होगा। तो चलिए देखते आज का वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइस, जब भी आप लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो तो ऐसा एक इंटरफेस आप लोगों का सामने ओपन हो जाता है। तो मैंने पहले डिटेल्स में जो टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल्स, टैग्स सब कुछ सेट करने के बाद, डिटेल्स को फुलफिल कंप्लीट करने के बाद जो वीडियो एलिमेंट्स का पार्ट होता है, तो ऐसा करके इसका इंटरफेस होता है। तो वीडियो एलिमेंट्स आने के बाद इधर देखिए नीचे दिख रहा है ऐड एंड एंड स्क्रीन ऐड कार्ड। जो वीडियो एलिमेंट्स का पार्ट हमने बात कर रहे थे उधर देखिए एंड स्क्रीन मैंने आप लोगों को नहीं आज मैं बताऊँगा। आज मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब आई बटन के लिए। यूट्यूब आई बटन ऐसा एक इफेक्टिव टूल है जैसे कि आप लोग एक व्यूअर्स अपना वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के देखने के बाद अपना दूसरा वीडियो में आसानी से स्विच कर सकते हो। तो इससे प्रोसेस में आप लोगों को फुल्ली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहना और वीडियो पसंद आने से वीडियो को एक लाइक कर देना। तो देखिए ऐड कार्ड में मेरे को जाना है, इधर जो ऐड ऑप्शन दिख रहे मैं इधर सिंपली क्या करूँगा, इधर सिंपली मैं ऐड में क्लिक कर दूँगा। और चीज़ें अच्छा देखे तो इसलिए मैंने पीसी में दिखा रहे आप लोगों को, आप लोग सेम प्रोसेस मोबाइल में भी कर सकते हो। इधर देखिए वीडियो आप ऐड करने के लिए बोल रहा है, प्लेलिस्ट ऐड करने के लिए बोल रहा है, चैनल ऐड करने के लिए बोल रहा है। आप वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल कुछ भी ऐड कर सकते हो इधर आई बटन में, यानी कि कार्ड के हिसाब से इधर ऐड कर सकते हो। मैं सिंपली वीडियो एक वीडियो का लिंक इधर ऐड करूँगा क्योंकि मेरे को और वीडियो भी व्यूज बढ़ाना है। आप लोग भी ऐसे करके व्यूज बढ़ा लेना। तो देखिए मेरा जो वीडियो पहले से अपलोड कर रखा था मैंने, इधर इस वीडियो को मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद इधर एक काम आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप बोल रहे हो तो मेरा एक वीडियो देख लो आई बटन में आपको मिल जाएगा। टाइमिंग के हिसाब से आपको यूट्यूब को जो वीडियो का लिंक आप देना चाहते हो उधर ही सेट करना होगा। मेरा मैंने इसी टाइम पे मैंने बोला था मेरा व्यूअर्स को लिए देख लो देखने के लिए, तो मैंने इधर सेट कर दिया। उसके बाद देखो इधर जो ऑप्शन दिख रहा है मेरा जो वीडियो है, इधर यूट्यूब वीडियो से अपलोड करने का सही तरीका, इधर मैंने इस वीडियो को मैंने आई बटन में सेट कर दिया। तो उसके बाद देखो कस्टम मैसेज दिख रहा है और इधर नीचे दिख रहा है देखो ट्रिजर टेक्स्ट। मैं सिंपली क्या करूँगा, कस्टम मैसेज में जाऊँगा, सॉरी मैंने एडिट ऑप्शन में क्लिक कर दिया, कस्टम मैसेज में जाऊँगा। इधर मैं सिंपली लिख रहा हूँ वॉच नेक्स्ट, आप लोग भी लिख सकते हो वॉच नेक्स्ट, यानी कि इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखो, वॉच नेक्स्ट लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो ट्रिजर टेक्स्ट दिख रहा है, यानी कि आपका जो वीडियो का लिंक है, वीडियो का टाइटल है, उसका आप छोटा कर सकते हो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं इधर सिंपली लिख रहा हूँ मेरा जो टॉपिक है यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका, मैं इधर लिख रहा हूँ यूट्यूब अपलोड प्रोसेस। इधर देखिए ऊपर जो दिख रहा है आई बटन में सेट हो रहा है, देखिए यूट्यूब अपलोड प्रोसेस। आप इधर जो भी लिखेगा आप लोग व्यूअर्स को वो भी वही शो होगा। तो ये थोड़ा तगड़ा करके लिख देना आप लोग, क्योंकि व्यूअर्स अट्रैक्टिव हो इजीली। उसके बाद देखो सेव, सेव बटन में क्लिक कर दिया मैंने, तो मेरा जो टैग्स है, सॉरी आई कार्ड है, वो इधर इसी टाइम पे सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करके आप लोग चेक्स और विजिबिलिटी करके आप लोग पब्लिश कर सकते हो वीडियो को। और एक प्रोसेस मैं आप लोगों को सामने शो करूँगा, आप लोग वीडियो को देख लेना। आप लोग कोई भी वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया उसके बाद आपका दिल चाह रहा है कि उधर भी आप आई बटन सेट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक देख लेना। वीडियो के ऊपर सिंपली क्लिक करो, क्लिक करने के बाद जो पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है आपको उधर सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस है ऐसा करके आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो मेरा जो वीडियो था टू बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर लैपटॉप एंड पीसी, इसमें क्या करना होगा, इसमें सिंपली आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद देखो सबटाइटल्स दिख रहा है, एंड स्क्रीन दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं। कार्ड्स का मतलब है यूट्यूब आई बटन, यानी कि यूट्यूब आई बटन इधर भी सेट कर सकते हो वीडियो पब्लिश करने के बाद।
जो एडिट ऑप्शन है पेंसिल का आइकन है इधर का, उसमें आप लोग चाहिए इधर सिंपली जो पेंसिल का आइकन दिख रहे हैं या कार्ड जो ऑप्शन दिख रहे हैं कार्ड में सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इधर भी सेम प्रोसेस आपको मिल जाएगा, तो मैंने पहले ही बोल दिया कैसे इसको सेट करनी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आप जिस टाइम पे बोल रहे हो आपका व्यूअर्स को जो मेरा वीडियो मेरा आई बटन में मिल जाएगा, उसी टाइम में आपका जो आई बटन है उसी दर सेट करना पड़ता है। टाइमिंग उसका सही होना चाहिए, टाइमिंग से सही होने के बाद आपको जो व्यूअर्स है इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो जो आप जो भी यूट्यूब आई बटन में सेट कर लिया जिस वीडियो का लिंक, वो वीडियो देख लेना, अपने आप ही वीडियो का व्यूज जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। उसका टाइमिंग थोड़ा ख्याल रखिए, उस टाइमिंग के ऊपर जो वीडियो व्यूज है वो ऑर्गेनिक व्यूज देता है यूट्यूब आई बटन, और जेन्युइन व्यूज भी देता है, और बहुत सारे व्यूज मिलेगा जो वीडियो आपको यूट्यूब आई बटन में सेट करनी है और व्यूज बढ़ानी है। इस वीडियो को टाइमिंग के हिसाब से आप लोग इधर सेट कर लेना, और जो आई बटन है इसका कोशिश करना वीडियो 80 से 90% होने के बाद जो आई बटन है उधर आप सेट करना, क्योंकि आपको जो वीडियो आप व्यूवर्स देख रहे हैं उसका जो व्यूज है आप लोगों को जो वॉच टाइम है वो भी मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का जो 80-90% बीच में उधर आप लोग आई बटन को सेट कर दीजिए, और टाइमिंग के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% वीडियो एंड होने के बाद आप लोग यूट्यूब आई बटन में वीडियो का लिंक आप लोग डालिए, उसको बाद देखिए ऑर्गेनिक व्यूज आपको 100% मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आने से वीडियो को एक लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर दो।